बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें भी हम समांतर माध्य जो है उसको हम जो समांतर माध्य हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे करते हैं और खंडित श्रेणी में कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सतत श्रेणी में कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भी हम वही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं समांतर माध्य जो है वो सतत श्रेणी में है। सतत श्रेणी क्या होती है? शून्य से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से ये क्या है, सतत श्रेणी कहलाती है, जो कंटिन्यू चलती जाती है। अब इसमें हम देखेंगे ये शून्य से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हम इसको क्या मान रहे थे, एक्स, और इसको मान रहे थे एफ। अब यहाँ पर मध्य मूल्य लिखा हुआ है, तो मध्य मूल्य क्या है? मध्य मूल्य को हम मिड वैल्यू बोलते हैं। मिड वैल्यू मतलब मध्य मान। अब मध्य मान क्या है, हम उसको कैसे निकालेंगे? तो मध्य मान के लिए ये जो संख्या दी हुई है, तो इसमें L1 प्लस L2 बटे 2। तो L1 क्या है, जो ये छोटी संख्या है, और L2 क्या है, जो बड़ी संख्या है। तो इसमें हम देखेंगे शून्य धन 10 बटे 2, ये हो जाएगा 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इस तरह से हमारा मिड वैल्यू आया 5। इसी तरह से ये सारी जो संख्याएं हैं सबकी हम मध्यमान इसी तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास इसका आ गया 5, इसका आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 25, 35, 45 और 55 और ये 65। तो इस तरह से ये क्या हो गए, सारे उसके मध्यमान हमको मिल गए। तब हम इसको इसको सबसे पहले टोटल करेंगे। तो इसको टोटल जो होगा वह हमारा हो जाएगा 50। जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 50। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ। अब इसमें हम सूत्र के अनुसार ये देखेंगे तो ये हमें एफ तो मिल गया, सिग्मा एफ मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि जब हम 5 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 6 पंजे ये हो, क्या हो गया, 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 पना 75, ये आपस में इस तरह से हम गुणा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 25 अट्ठे 200, और 15 का जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो 500 25, और जब हम यहाँ पर 45 और 7 का गुणा करेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएगा 300 15, और यहाँ पर जब हम 55 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 330, और जब हम 65 और 3 का जब हम गुणा करेंगे 195 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जब हमने इस संख्या का इस संख्या से गुणा किया तो हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1670। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो हम ज्ञात कर रहे हैं हमें सिग्मा एफ एक्स क्या प्राप्त हुआ है कि 1670 बटे ये 50। तो हम इससे जब इसको काटे ये कट गया, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर उसके बाद 1 बचा और ये 7, 5 दिया 15, फिर दशमलव लगा के क्या कर देंगे उसको, 2 बचा तो ये हो जाएगा 5 चौको 20। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 33.4। ये हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य ज्ञात हो गया। ये किस में ज्ञात हुआ, सतत श्रेणी में ज्ञात हुआ। अब इसी को हम लघु रीति में करेंगे। इसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं, यदि बड़ी संख्या का हम गुणा नहीं कर सकते हैं तो हम छोटी संख्या में और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से हमने मिड वैल्यू निकाला था, मिड वैल्यू तो आपको पता होगा कैसे निकालना है, इसका हो गया 5, 15, 25, 35, 45, 55 और ये हो गया 65। ये भी आप लोग को मालूम है कि ये हमारा टोटल कितना है, 50 है।
इसको हम एक्स से दर्शाते हैं, आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये इस तरह से हम दर्शाते हैं, या मिड वैल्यू जो आएगा वह भी केस से दर्शाएंगे जिसका ही मिड वैल्यू ये आ गया, फिर इससे हमें कोई नहीं, फिर इससे हमें मतलब रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जिस तो इसको हम किस तरह से उसको हम कंटिन्यू देखते, 1 2 3 4 5 6 7 है, हम यहाँ पर मिड वैल्यू क्या मान लेंगे, 35 को मान लेंगे। तीसरे से हमारी मिड वैल्यू जो है वो क्या है, 35 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मिड वैल्यू जो है हमने यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर हो जाएगी 35। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो यहाँ पर जब घटाना चालू करेंगे तो यह -30 -20 -10, 35 से 35 किया 0, यहाँ पर 10 20 और ये हो जाएगा 30, ये सारे जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, प्लस में आएंगे। तो इस तरह से जब हम फिर इसका क्या करेंगे, गुणनफल, गुणनफल में क्या होगा, ये जो हमने निकाला हुआ ये भी x है, तो यह क्या हो गया डी एक्स है, यहाँ पर एफ डी एक्स, मतलब इसको हम किससे गुणा करना है, ये फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है इससे हम गुणा करेंगे। यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 18 और एक ये 0, इस तरह से क्या हो गया 80, 20 5 ये 100 हो जाएगा, इसी तरह से ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से गणित हमारा क्या हो गया, और छोटा हो गया, जब हमने इसका गुणा किया तो संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, और इसके बाद हम यहाँ गुणा करने लगे तो ये क्या हो गई, संख्याएँ और भी छोटी हो गई, तो ये हो जाएगा प्लस, इसका गुणा किए 10 और 7 का गुणा किए तो ये हो गया 70 और 6 2 12, ये हो गया 120 और ये 3 3 9 और 0 लगा देंगे तो ये हो गया 90। तो इस तरह से हमने पिछले उसमें भी देखा था, जब शॉर्ट में हम कर रहे थे तो प्लस माइनस को अलग अलग जोड़ते हैं, ये माइनस अलग जुड़ेगा और ये प्लस जो है वह अलग अलग जोड़ेगा, तो प्लस वाला जो है वह हो जाएगा 280 और माइनस वाली जो संख्या है वह हो जाएगी 360। इस तरह से जब हम दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिलेगी वह मिलेगी 80। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, जो कि हमारा जो सूत्र है उसमें हम उसको रख देंगे। जैसे कि हमारा सूत्र क्या है, ए बराबर एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ बी एक्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने कल्पित माध्य क्या माना था, ए जो है हमारा कल्पित माध्य है 35, यहाँ पर ये 35 हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये हमें ये जो 80 मिला है ये किस में है, माइनस में है, तो ये माइनस 80 हो गया, इसके बटे हो गया ये 50, तो यहाँ पर ये क्या है, हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 35, ये शून्य से शून्य कटा, 5 1 5 5 1 5 ये फिर ये हो जाएगा 5 दशमलव लगेगा, 5 6 30, तो ये प्लस यहाँ पर माइनस 1.6 हो गया। इस तरह से जब हम इसको टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 33.4। तो ये हम देखेंगे कि पिछले उसमें भी हमारा उत्तर वही आया था और इसमें भी लघु रीति में भी जब हमने किया तो उत्तर हमारा वही आ गया। हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है भारित समांतरवाद, भारित मतलब जो वस्तुओं के मूल्य और भार से संबंधित जो संख्या होती है उसको हम भारित समांतर माध्य बोलते हैं। तो जिसमें जो भार, भार मतलब वेट, वेट को हमने किससे दर्शाया है, डब्लू से दर्शाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भारित समांतर माध्य, ये जो है भारित समांतर माध्य, ये जो है ये क्या है, भारित समांतर माध्य, सिग्मा डब्लू जो है भार का पदमूल का गुणनफल है और सिग्मा डब्लू जो है भारों का योग है। ये गणित लिखा हुआ है, ये आपको ये दिया ऐसा दिया रहेगा, उसके बाद हम उसको इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद फिर ऐसा करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो इसमें जब हम उसमें भी वही है, इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो संख्या निकल आएगा 8 5 40, फिर 10 4 40, 15 5 75 और ये हो जाएगा 200, फिर 25 25 और 7 का जब हम गुणा करेंगे तो 175 और फिर यहाँ पर 30 और 6 का गुणा 6 3 18, मतलब ये हो जाएगा हमारा 180। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 700
10, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डब्लू। और फिर हम ये जो भार है इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये है हमारा सिग्मा डब्लू जो कि सूत्र में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये सिग्मा डब्लू हमको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें सिग्मा एक्स डब्लू बटे सिग्मा डब्लू, तो इसमें हम करेंगे 710 बटे 40, शून्य से शून्य कटेगा, फिर उसके बाद चार से हम काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर बचा 3, तो फिर जब उसको फिर 4 सत्ते 28, फिर इस तरह से ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो फिर यहाँ पर जब हम पॉइंट लगा देंगे दिया जाएगा क्या जाएगा 17.75। इस तरह से हमारा सिग्मा डब्लू जो वेट है वह हमारा 47.75 ये जो है ये ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम भारित समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इसमें एक बार और देख लीजिए, ये चर लिखा हुआ है, ये भार लिखा हुआ है, जिस तरह से हमने समांतर माध्य वो व्यक्तिगत श्रेणी में देखा था वैसा ही है खंडित श्रेणी में, जिसके 5 का गुणा किया, तो ये संख्या ये दोनों को संख्या गुणा करने पर ये आया, इनको टोटल किया, टोटल करने के बाद हमने सूत्र में रखा, सूत्र में रखने के बाद हमारा जो आंसर है ये आ गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आगे जो हमने गृहकार आप लोग को दिया है, तो ये 1, 2, 3 ये तीनों को ही जो है आपको प्रत्यक्ष और लघु रीति दोनों से ही इसको हल करना है, और आंसर जो है करीब करीब आपके 1 से आएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट पेज में ये भारित समांतर माध्य की गणना करनी है, इसमें भी और इसमें भी, ये आपको हल करना है।